नमस्कार, रागिनी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हम पिछले 2 दिन से लगातार बात कर रहे हैं पंडित सुमन घोष जी से। आज इस बातचीत का तीसरा और अंतिम हिस्सा देखते हैं। अच्छा दादा, ये बताइए कि लोगों के दोस्त होते हैं, लोगों के उनके क्लासमेट्स दोस्त होते हैं, उनके साथी कलाकार दोस्त होते हैं। आपके तो दोस्त राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए और वो आपको म्यूजिकल फ्रेंड कहा करते थे अपना। इसकी इसकी क्या कहानी है, ये जानना जरूरी है हम लोग के लिए। ये तो भाग्य है। ये बहुत, क्या कहूँ मैं, बड़े लोगों की बात कुछ ऐसा ही होता होगा। जो कलाम साहब थे, ये मुझसे कब कहा कि ह्यूस्टन में, पहले उनके वहाँ हमें जाने का मौका मिला था, अपने राष्ट्रपति भवन में गाए थे, गुरुजी के साथ गए थे, वहाँ पे मिले। और वो ऐसे व्यक्ति थे ना कि केवल वाह वाह कहने वाले नहीं थे, वो म्यूज़िक लेकर डिटेल में जाकर डिस्कस करते थे। जो राग हमने गाया होगा या जो भी किया होगा, उसके ताल, उसके राग रूप, ये सब लेके चर्चा कर लेते थे। तो ह्यूस्टन में कई सालों के बाद आए तो हमारे भारत सरकार के जो कौंसल जनरल साहब थे, उन्होंने भीड़ में ही मुझसे परिचय करवा लिया कि सर ऐसे हैं ये। हाँ, ही इज़ माई म्यूजिशियन फ्रेंड, आई आई नो हिम करके। थोड़े देर में एक बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने की। सब लोगों ने उनसे कुछ सुनना चाहा कि वो कुछ कहें, देयर वॉज अ माइक्रोफोन है सब। तो उन्होंने कहा, देखिए आप लोग एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि मैं टीचर हूँ, टीचर को बोलने का मौका मिले तो छोड़ता ही नहीं है। कलाम साहब कह रहे हैं। सो फिर कहें कि मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड हैं राधा राज, इनसे मैं कुछ सुनने सुनने का मौका गंवाना नहीं चाहता हूँ, इनको सुनते हैं। तो वहीं पे मुझसे पकड़ के थोड़े से कुछ श्लोक वगैरह सुने, ऐसा ऐसा किया उन्होंने। गोपियन संग
अच्छा दादा, एक तो किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ संगीत ही नहीं, खेल हो, पत्रकारिता हो, एक्टिंग हो, कुछ पुरस्कार होते हैं जो आपको मिलते हैं तो लगता है कि हाँ, जो सफर है वो सही दिशा में चल रहा है, हम जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का जब प्यार मिलता है और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से इस तरह का प्यार मिलता है, उसका कोई मोल नहीं होता होगा। वो मेरे ख्याल से तमाम जो पुरस्कार है उन पर भारी ही बैठता होगा, इस तरह का प्यार जो है। बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली देखिए, पुरस्कार तो है बहुत ही, उसकी अहमियत अलग है, लेकिन मुझे बराबर जो लगा है, जिस पर मेरा काम, मैं अभी जो भी मैं करता हूँ, सब उसी पे आधारित है, कि लोगों का प्यार, लोगों का भरोसा। मुझे लगता है कि संगीत जैसे, स्पेशली हमारे म्यूज़िक जैसे जो फील्ड है ना, इसमें एक हर कलाकार में, म्यूजिशियन में एक अलाइनमेंट होनी चाहिए। उनमें क्या क्या, किन किन चीज़ों के अलाइनमेंट, एज अ पर्सन, उनकी व्यवहार, सोच विचार, लाइफस्टाइल, संगीत, लोगों के साथ मिलना, सब कुछ में ना, कहीं पे ना लगे कि ये इस तरफ क्यों है फिर वो उस तरफ क्यों है, ऐसा ना लगे। तो ये जब रहता है, तब ये जो चीज़ आपने अभी मुझसे पूछा है कि किन्हीं के दिए हुए प्यार, बड़े लोगों के आशीर्वाद हो, रिकग्निशन हो, वो सब चीज़ उसमें अपना अपना जगह ले लेता है, वो अपने जगह पे बैठ जाता है, सभी का जगह रहता है, कोई भी चीज़ फीका नहीं पड़ता है। और क्यों पड़े, ये केवल रिकग्निशन का सवाल ही नहीं है, ये है कि एक बड़ा व्यक्ति, कोई भी, मुझे एक दिन के लिए उन्होंने मुझसे प्यार दिया है, बस वो खजाना है, उससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। दादा एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो इंटरव्यू की शुरुआत में आपने कहा कि आप लगातार पंडित जी से पूछते थे कि बताइए मैं आपके लिए क्या करूं, और मेरी क्षमता में अगर नहीं है तब भी मैं प्रयास करूंगा, लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि करना ही चाहते हो तो ये जो संगीत है मेरा, इसका प्रचार प्रसार करो। आप US में हैं, आप सिखाते हैं शास्त्रीय संगीत, और भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो मौजूदा स्थिति है भारत के बाहर, उस पर संभवतः आप बहुत अधिकार के साथ बात रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, प्रकाश डाल सकते हैं कि हम लोग जो भारत में रहकर भारतीय शास्त्रीय संगीत को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप लोग जो विदेश में हैं और वहां पर जिस तरह से भारतीय शास्त्रीय संगीत की कद्र है, उसकी जो पहचान है, उस पर संभवतः आप बहुत अधिकार के साथ अपनी बात रख सकते हैं। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है, कितना लोकप्रिय है, क्या कहीं कोई खतरा है, या बहुत ही मजबूत स्थिति में है, कैसे देखते हैं आप? भारतीय शास्त्रीय संगीत को विदेश में ले आने वाले पहले हमारे पूर्वज लोग थे, बड़े कलाकार लोग, जो ऐसे समय पे संगीत को, आपको पता है, ले आए थे जब यहाँ पे भारत क्या है वही लोगों को पता नहीं था। सो भारतीय संगीत को उन्होंने यहाँ पे बसा दिया था। मैं जो मिशन लेके काम कर रहा हूँ, उसके कई एस्पेक्ट्स हैं। एक है कि जो गुरु का बताया हुआ था कि मेरा संगीत सब सभी दिशा में पहुँचा दो, कोशिश कर रहा हूँ। एक दूसरी बात है, मुझे लगता है कि जो शास्त्रीय संगीत के श्रोताएं हैं वो इस देश में भी बहुत हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन एक हो क्या गया कि अपने जन्मभूमि से, भारत भूमि से इतने दशकों से दूर रहने के वजह से एक कुछ थोड़ा सा कुछ उसका इम्पैक्ट तो ज़रूर हुआ है। वो शौकीन रहे लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं, या तो उनके नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, ना तो पड़ी है। हाँ, तो ऐसा अगर रहे
तो एक समय आ जाए कि हम लोगों के संगीत के लिए कोई चाहने वाले दुनिया में रहे नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को अगर तैयार ना करें। अच्छा, सब लोग सीखेंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है, सबको सीखने का मौका भी नहीं आता है। मैं ऐसा लेके चलता हूँ इन अ बिगर सेंस कि जिस जिन लोगों के जिंदगी में संगीत का ही कोई इम्पोर्टेंस कभी नहीं रहा, शास्त्रीय संगीत तो दूर की बात है, उनको हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुरीद बना दें, चाहने वाले बना दें, ये मेरी पहले कोशिश रहता है। सो इस दिशा में अब तक हमें काफ़ी सफलता मिले हैं क्योंकि बहुत ऐसे लोग तैयार हुए हैं जो कभी भी संगीत के आसपास नहीं जाते थे। अच्छा, ऐसे ऐसे ऑडियंस भी हुए हैं कि बड़ा कोई कॉन्सर्ट में उनको कहा गया है कि आप आइए, तो हमारे बात को टाल नहीं पाए, इसीलिए एक टिकट लेके पीछे की तरफ दरवाजे की तरफ एक सीट लेके बैठे कि थोड़े देर में निकल चलेंगे। अब उस प्रोग्राम के बाद हमें लिख कर ईमेल करके बताया कि पंडित जी बहुत बहुत आपने हम पे एहसान किया है, अब अगला ऐसा प्रोग्राम का इंतज़ार रहेगा और आगे के टिकट लेंगे, पहले के रो के, सेकेंड रो के, थर्ड रो के। तो ये मुझे खुशी देती है कि जो है कॉन्सर्ट्स हैं, समझदार हैं, वो तो हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उनका रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो कभी इस होराइजन पे ही नहीं विराज करते थे उनको हम खींच के कैसे ला सकते हैं। तो ये संगीत का जो होराइजन है ऐसा चौड़ा होते रहे दिन दिन दिन, ये सोच है। अगर इंटरव्यू अब लगभग खत्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो गुजारिश ये करूंगा कि अभी तक तो मैं बहुत फरमाइशी हो गया था, आपने इतना विनम्रता से कह लें और इतनी सहजता से हमसे बातचीत शुरू की कि मैं थोड़ा ये सुना दीजिए वो सुना दीजिए। अब मैं आखिर में आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जो आपको पसंद हो, कोई ऐसी चीज, कोई बचपन की बंदिश जो आप जिक्र कर रहे थे माँ की, कोई एक चीज जो आप हमारे रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को सुनाना चाहते हो वो भी हमें जरूर सुनाइए। जी जी, आपने जैसा कहा वैसा ही कोशिश, ठीक है, बिल्कुल। Sala sala
दादा, जैसा मैंने इस गुजारिश के पहले कहा था कि इंटरव्यू अब खत्म करने की दिशा में हम हैं, आखिरी सवाल मैं आप जैसे कलाकारों से जब बातचीत करने का सुअवसर मुझे मिलता है तो मैं जरूर पूछता हूँ, क्योंकि आप लोग एक गुरु के तौर पर बहुत सारे बच्चों को सिखा भी रहे हैं और एक बहुत बड़ी जनरेशन ऐसी है भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो अभी जिन्होंने सीखना शुरू किया है, जिनको कोई 2 महीना कोई 3 महीना ऐसा अलग अलग गुरुओं से अलग अलग घरानों से सीख रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये तो लगभग हर गुरु बताते हैं कि रियाज करना बहुत जरूरी है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, एक बेहतर इंसान बनना बहुत जरूरी है, यानी डूज तो क्या करना है ये तो तमाम गुरु बताते हैं, क्या नहीं करना है ये बताने के लिए एक बहुत लंबा अनुभव चाहिए होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं आप जैसे कलाकारों से बात करने का मौका मिलता है तो उनसे ये जरूर पूछता हूं कि आप अगर अपने शिष्य को बताते हैं कि ये 3 चीजें नहीं करनी है जीवन में अगर कलाकार बनना है तो वो कौन सी चीजें होती हैं वो जरूर बताइए हमें। शिवेंद्र जी, मैं तो आपके इन सवालों को सुनकर मैं इतना खुश हो गया हूं कि हर एक सवाल का वजन इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, ये सवाल तो कमाल का है। मैं बताऊं आपको, मैं थोड़ा सा कुछ अजीब सोच विचार वाला व्यक्ति शायद हूं इस बारे में। मैं कोई भी चीज कहने के लिए नहीं करता हूं, कोई भी चीज। हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मुझसे हो पा रहा है वही कहूंगा कि ये करो आप, नहीं हो पा रहा है तो मैं कह देता हूं कि देखो ये होना शायद चाहिए लेकिन मुझसे होता नहीं है, ऐसी वाली बात। सबसे पहले लगता है कि इंसान को प्यार करना और इंसान का प्यार समझना, उसकी इज्जत करना, ये कलाकार का फाउंडेशन है, कलाकारी का फाउंडेशन है। सुर तभी लगे जो सुर इंसानों को यहां पहुंचे। बहुत लोग आते हैं ना हमारे पास कि मुझे तो शास्त्रीय संगीत की कोई पता नहीं है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की है, शास्त्रीय संगीत की तालीम प्राप्त नहीं है, तो हम श्रोता बन सकते हैं या सीख सकते हैं। हमने कहा भैया, कहीं से तो शुरुआत सभी का होता है। एक बात बताइए, सुर आपको यहां हीट करता है कि नहीं? हाँ, अच्छा लग रहा है, बस आप बिल्कुल काबिल है इसके। अब ऐसे इंसानों को मैं धीरे धीरे, हमारे पास जो छोटे बच्चे आते हैं, बड़ों को तो काफी कुछ समझ है ही है, छोटे बच्चों को हम समझाते हैं कि बाबा केवल रियाज नहीं करो, केवल संगीत मत सीखो, साथ साथ अच्छा इंसान बनो, वैल्यूज समझो, बड़ों को कैसे इज्जत देने हैं वो समझो, क्योंकि ये सारे चीज़ों के बदौलत ही हम अच्छा कलाकार बन सकते हैं। सो मैं ऐसे 2-3 शायद स्पेसिफिकली ना कह पाऊँ, लेकिन सेहत का ख्याल रखना भी बहुत बड़ा ज़रूरी काम है हर कलाकार का, ये मैं कहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है, लेकिन हमारा भी तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाता है। हम अगर सेहत का बिल्कुल ख्याल ना रखें, कितने कलाकार हैं, कितनी दुखद बात है, 40, 42, 45, 50 में शरीर छोड़ दिया है। हाँ, पता चला कि थोड़ा सा कुछ कहीं पे नेग्लेक्ट कर लिया था उन्होंने अपने शरीर का, तो इतने साल की साधना, इतने लोगों की इतनी उम्मीदें, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो मैं इसीलिए सबसे कहता हूं कि कोशिश पूरे करें कि खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और सेहत को संभालिए, प्यार दीजिए, प्यार लेना भी सीखिए, जो आपसे प्यार करते हैं उनको ऐसे इज्जत दीजिए कि उनको लगे कि वाह वाह वाह, यही तो सही जगह है। बस संगीत अपने आप ऐसा 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 खिलता रहता है। 2 छोटी-छोटी बातें यहाँ पर मैं जरूर बताऊंगा इंटरव्यू खत्म करने से पहले, और ये रागगिरी के सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत खास तौर पर समझने की जरूरत है। जिस सेहत का जिक्र पंडित जी ने भी किया कि सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, शायद बहुत कम लोग को पता होगा कि पंडित जसराज जी कितने फिटनेस को लेकर अपने कितना फ्रीक रहते थे। वो
जिम जाते थे, आखिरी दिनों तक जिम जाते थे, और किसी ऐसे वैसे ट्रेनर के यहाँ नहीं, जिस ट्रेनर ने जो सचिन तेंदुलकर की ट्रेनिंग कराते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं, यानी पंडित जसराज जी की फिटनेस का लेवल आप समझ सकते हैं कि जिस जो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे उनकी फिटनेस और उस तरह की फिटनेस, यानी गायकी में हम ये मान लें कि नहीं फिटनेस जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता, और वही बात पंडित जी ने कही। दूसरी चीज जो पंडित जी ने कहा कि सुर यहाँ छूटा है, मुझे एक और बहुत दिलचस्प किस्सा याद आया, और पंडित जी संभवतः ये आपको आपकी जानकारी में नहीं होगा क्योंकि आप थे नहीं वहां पे। अब अभी कुछ साल पहले की बात है, मेरा ख्याल है 3-4 साल पहले की बात है, कामानी में शुजात खान साहब का सितार वादन था, तो उन्होंने अपना सितार ट्यून किया और उनसे पहले जसराज जी गा के स्टेज से उतर रहे थे, तो अभी वो उतर के जाके बैठे थे पहली पंक्ति में कामानी की, और तब तक शुजात भाई ने अपना ट्यून किया सितार, और जसराज जी दोबारा उठे तो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि अब अभी तो ये कार्यक्रम करके आए हैं, फिर क्यों उठ गए, और फिर वो गए और वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए और उन्होंने जाके शुजात से कहा कि आपने ट्यून इतना सुंदर किया है, आपकी ट्यूनिंग इतनी दिल को छू गई कि मैं आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाया, और इसलिए मैं दोबारा स्टेज पर आया। और मुझे याद है सब लोग ये बताते हुए मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, सब लोग खड़े हो गए और सबने जसराज जी के लिए ताली बजाई। तो ये जो बात हम अक्सर अपने इंटरव्यू के दौरान, इस बातचीत के दौरान कर रहे थे कि बड़े कलाकार, बड़े इंसान की छोटी छोटी बातें जो वो अनायास ही कह देते हैं, वो भी कई बार बड़ी सीख बनती है हमारे आपके जीवन में। और बस आपने हमारे लिए समय निकाला, इतनी मजेदार बातचीत हुई, आपके बचपन की बातचीत हुई, हमने हवेली संगीत पर बातचीत की, जसराज जी पर बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और विनम्र गुजारिश यही कि हमारे संगीत को तो आप अमेरिका में रह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम लोग को भी आशीर्वाद देते रहिए कि हम लोग जो छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं अपने कलाकारों को लोगों तक पहुंचाने का, उनसे मुलाकात कराने का, वो प्रयास यूं ही चलता रहे। बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद। शिवेंद्र जी, आपको भी बहुत धन्यवाद और आपको बधाइयाँ कि इतना अच्छा काम आपने इतने सालों से इसको बहुत ही पेनस्टेकिंगली, तकलीफ के साथ, लगन के साथ आपने इसको सजाया है, बनाया है, तो ये राग गिरी आज लोगों को बहुत कुछ दे रहा है, और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मुझे मौका आपने दिया है यहाँ आने की, सबसे मिलने की और कुछ बातें कहने की, थोड़े बहुत गाना बजाना शेयर करने की। ऐसा ही अच्छा सब कुछ बने रहे आपका, ये मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार, जय हो।